अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है लीवर। लीवर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड, वर्क एज मेटाबॉलिक एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लोकेटेड एट राइट साइड ऑफ अबडोमन। ओवरऑल जो आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन है, लेकिन अगर हम इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो लीवर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है और लार्जेस्ट ग्लैंड कंसीडर किया जाता है। लीवर मेटाबॉलिज्म में और एक्सक्रीशन में मेन रोल प्ले करता है, इसलिए इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कहा जाता है, क्योंकि लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है जो कि लेस टॉक्सिक होता है और किडनी को असिस्ट करता है एक्सक्रीशन में। लीवर एब्डोमेन के राइट साइड पर मौजूद होता है। हेपेटोमेल लीवर साइड मीन सेल, द वर्किंग सेल्स ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपेटोसाइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल लीवर के हेपेटोसाइट सेल में हो रहे होते हैं, और इसमें इसका स्टार्ट यूरिया साइकिल का इसके हेपेटोसाइट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि कंप्लीट साइटोसोल में होता है। ऑर्निथिन प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो कंबाइन करते हैं और कार्बोमाइल फास्फेट बना देते हैं, जो कि ऑर्निथिन के साथ मिलकर सिट्रोलिन बना देते हैं। ये वाले स्टेप्स जो हैं इसके माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं, और देन सिट्रोलिन जो है वो साइटोसोल में आ जाता है। सिट्रोलिन में एस्पार्टेट जो कि अमाइनो एसिड है वो मिल जाता है, और आर्जिनोसुसिनेट सिंथेस एंजाइम की मौजूदगी में ये आर्जिनोसुसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। आर्जिनोसुसिनेज एंजाइम की मौजूदगी में फ्यूमरेट और आर्जिनिन में ब्रेक हो जाता है। फ्यूमरेट जो होता है वो साइकिल से रिलीज़ कर जाता है और आर्जिनेज नेक्स्ट स्टेप पर चला जाता है। आर्जिनिन जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे आर्जिनेज एंजाइम की मौजूदगी में यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और रिमेनिंग जो चीज़ बचती है वो ऑर्निथिन बचती है, जो कि नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिकर्सर का काम करता है। तो इस तरह से आपका यूरिया साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यूरिया बनने के बाद ब्लड में शामिल हो जाता है, और ब्लड के ज़रिए यूरिया लीवर से किडनी में पहुंच जाता है, जहां पर किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करती है, और यहां से यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब आ जाता है अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस में लीवर क्या आ जाता है, सबसे पहले बाइल प्रोडक्शन। बाइल इज़ अ फ्लूइड दैट इज़ मेड एंड रिलीज्ड बाय द लीवर, स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल हेल्प्स विद द डाइजेशन, इट ब्रेक डाउन फैट्स इनटू द फैटी एसिड व्हिच कैन बी टेकन टू द बॉडी बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक। बाइल कंटेन्स मोस्टली कोलेस्ट्रॉल। बाइल बेसिकली लीवर प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है, और बाइल जो है वो डाइजेशन में बहुत मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि ये फैट्स को एमल्सीफाई करता है, इनको डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें सबसे पहले आ जाती है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, विच आर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, जो को ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आ जाती है एल्ब्यूमिन, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड, ये सारी प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है लीवर। थर्ड आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर टू सेक्स हार्मोन एंड विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन करता है, जो कि बहुत विटामिन्स और हार्मोन्स के प्रिकर्सर के तौर पर काम करते हैं। स्टोरेज ऑफ आयरन, हीमोग्लोबिन का एक मेन पार्ट होता है आयरन, और आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू में मेन रोल प्ले करती है। ग्लाइकोजिन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन, कन्वर्जन ग्लाइकोजिन टू ग्लूकोज, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजिन। जब बॉडी के पास बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मौजूद होता है तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर देती है, और जब बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। तो ये दोनों की तरह की कन्वर्जन का काम कर रही होती है। रिसाइकिलिंग ये कर रही होती है, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की रिसाइकलिंग लीवर में हो रही होती है। डिटॉक्सिफिकेशन, मैनी हार्मफुल केमिकल्स, अल्कोहल, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे लीवर में डिटॉक्सिफाई हो रहे होते हैं, और इस तरह से लीवर जो है एड कर रहा होता है डिटॉक्सिफिकेशन में और नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करने में किडनी की। थैंक यू।